एंजॉयड इट, बट हे व्हाई एम अपसाइड डाउन, समथिंग इज ऑफ नो, लेट मी करेक्ट इट. दिस इज मच बेटर. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव. इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोशन, दिस क्वेश्चन बिकम्स पैरामाउंट. ये क्वेश्चन पूछना और समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू अंडरस्टैंड मोशन बच्चों, क्योंकि मोशन चैप्टर अधूरा है. बिगनिंग होनी चाहिए हमेशा ऑब्जर्वर कौन है, एंड देयर इज अ फैंसी नेम फॉर इट, वी कॉल इट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो वी कैन ऑफ टॉक अबाउट इट, आज इसको क्लियर करेंगे. सो इन टुडेज सेशन, दिस वेरी स्मॉल सेशन, आई विल मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एटलीस्ट टिल योर ग्रेड. सी क्लास 11th में विल गो मच डीपर इन टू दिस टर्म, बट आज कितना समझना चाहिए और कैसे हमको हेल्प करेगा दैट विल अंडरस्टैंड. ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन के बारे में बात करेंगे एंड विल काइंड ऑफ गेट अ हेड स्टार्ट इन मोशन. ओके, सो दैट्स द एजेंडा फॉर टुडे. वेलकम टू योर वेरी ओन बायजूस 9th एंड 10th चैनल. आई एम सौरभ, योर फिजिक्स मेंटर, एंड टुडे आई एम हियर टू मेक श्योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज क्लियर टू यू. ऑलराइट, चलो बिफोर आई बिगिन, इफ यू लाइक्ड व्हाट यू सॉ, मजा तो आया तुमको है ना, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज डू इट राइट नाउ. आगे चलते हैं. इट डिपेंड्स आप कहां से देखते हो. इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट मी राइट नाउ, इट्स ऑब्वियस आई एम स्टैंडिंग ऑन अर्थ एंड अर्थ लुक्स फ्लैट. एंड यू माइट हैव हर्ड देर आर थ्योरीज अबाउट दिस. तुमने सुना होगा एक फ्लैट अर्थ थ्योरी करके ना, बड़ी फेमस है, और फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं उनको हम, राइट. सो बहुत लोग ये मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है. क्यों ऐसा क्यों लगता है? लगता तो है यार, इफ आई लुक एट एवरीथिंग अराउंड मी सब फ्लैट ही है, राइट. डिपेंड्स हु इज लुकिंग एंड फ्रॉम वेयर ही और शी इज लुकिंग, राइट. इट्स ऑब्वियस आई एम स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, बट इफ समवन वॉचेज मी फ्रॉम फार अवे, कुछ तो है राउंड राउंड, राइट. इफ यू गो इवन फादर, even farther, and if you ask someone, let's say maybe God or maybe alien, right, they would say you are standing on a ball, right. It's very obvious. So it matters who is looking and from where they are looking. Isi cheez ko hum bolte hain frame of reference, right. Jahan par observer hota hai, where the observer is, that I would say environment is called as the frame of reference, jahan se observer dekhta hai. Ab ek cheez aur hai, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके हमेशा एक चीज याद रखना. पहले जस्ट नोटिस दिस स्मॉल थिंग. इफ लेट्स से दिस बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ हिम दिस कार हैज बीन पासिंग, राइट. ही जस्ट सॉ कार पासिंग बाय, ऑलराइट. तो क्या बोलेगा? द किड वुड वेरी ऑब्वियसली से दिस कार वॉज इन मोशन, आई एम इन रेस्ट. व्हाई? बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज एट रेस्ट, राइट. वेरी ऑब्वियस, बिकॉज दैट इज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नो प्रॉब्लम, बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? ही इज टेलिंग द ट्रूथ, राइट. इज इट? इज इट? इफ यू आस्क समवन हु इज आउटसाइड द अर्थ व्हाट वुड दे से? यार दिस बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ इज मूविंग, द बॉय इज ऑल्सो मूविंग. अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. अब ध्यान से देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इफ लेट्स से द पर्सन इनसाइड द कार, इफ दे आर लुकिंग आउटसाइड, सो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम देयर मूविंग कार. मूविंग क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैं अर्थ पे खड़ा था, मैंने देखा कार को मूव करते. बट इफ यू आस्क समवन हु इज इनसाइड द कार, वो क्या बोलेंगे? लुक एट दिस, नाइस, ट्रीज आर मूविंग बैक, यस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द पर्सन हु इज द ऑब्जर्वर इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट दैट पर्सन थिंक्स, आई एम एट रेस्ट. सो एक चीज ध्यान रखना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, जब भी हम ऑब्जर्वर को कंसिडर करते हैं, ऑब्जर्वर हमेशा मान के चलता है कि भाई आई एम एट रेस्ट. नोबडी सेज आई एम इन अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. नोबडी एक्सेप्ट्स दैट एंड नोबडी वांट्स टू से दैट. सो एवरी टाइम वेर एवर देर इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बोलेगा मैं तो रेस्ट पे हूं, लेट मी सी कौन कौन मोशन में है, कौन कौन रेस्ट में है, ठीक है. मैं तो रेस्ट पे हूं, दैट आई नो, आई एम वेरी श्योर. दैट्स हाउ दिस होल मोशन डिलेमा वर्क्स. कौन मोशन में है, कौन नहीं है, डिपेंड्स. दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु इज इनसाइड द कार. इफ यू थिंक कार इज मूविंग, कैसे पता? कैसे पता? हाउ डू यू नो? बिकॉज यू विल बी लुकिंग एट इट फ्रॉम आउटसाइड, करेक्ट. यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. कार विल जस्ट मूव आउटसाइड द फ्रेम. ट्रेन के अंदर बात करो अगर, राइट,
if you take someone from who's inside the train. Ab, they don't know outside. If let's say there are no windows in the train, what would that person see? Har cheez mere se same position pe hai. If you think about this girl, just see, she has a very genuine doubt. Aur aisa hota hai, na? It happens. Look at this. You are sitting in a train and suddenly you feel like, अरे जल्दी जल्दी ट्रेन जल्दी ट्रेन जल्दी, right? We just started on new journey. But what do you realize? नहीं बेटा, the other train has started again. Right? Got this illusion? क्यों? Because हमने मान के चला कि ओ, आप चाहते थे कि आपकी ट्रेन चल जाए. So you saw the other train moving. मेरे को लगा अच्छा हम चल गए. लेकिन अगर आप notice करो. If this girl was in the observer frame, I would say, the frame of reference, ye bolegi, wo train moving hai. If you ask someone from the person in the other train, that person will say, that girl is moving, right? So, observer hamesha rest pe rehta hai, dusro ko wo judge karta hai, are they moving or not? And how do you judge someone if they are moving or not? If their position is changing with respect to you, right? Agar mere se ye pen itni duri pe hai, but this pen changes its position, I would say this pen is moving, right? But if this pen remains at its position and does not change anything distance-wise, it will just remain at its position. Time pass karta ja raha hai, right? Time is just moving. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. This pen is at rest. So that's the beginning of motion, right? So based on this, we'll learn a lot of things in this motion chapter. Understand that for this girl, the train is moving. For the people inside the train, this girl is moving. For the people inside this train, everybody is at rest, right? So, it depends from where you are looking. Motion is relative. It's never absolute. Aap kabhi nahi bol sakte ho ki wo cheez rest pe hai, wo cheez motion pe hai, until unless you mention who is observing and from where the person is observing, right? Because the frame of reference is very much important. Motion is depending on frame of reference. Clear? Very good. So, motion is relative. A small question for you. A ball kept on the floor of a moving train would seem stationary according to a person. Which person? Look at this. Outside the train, inside the train, independent of their position. What do you think? Come on. If you're watching me right now, write this answer. Tell me this answer in the comment section. Tell me this answer in the live chat, wherever you want to answer. Come on. Very good. Obviously, for the people inside the train, in log ke liye, ball move nahi kar raha hai. Why? Ball wahan par hai. Right? Time pass karta ja raha hai. Time is moving. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. But ball is not changing the position. Ball is at rest. That is my judgment. Right? Kaise? Mere frame of reference se ball move nahi kiya. Easy. Right? So, I hope you understand what is frame of reference. It is from where the observer is looking. Second point, hamesha observer maan ke chalta hai ki main rest pe hoon. Right? My frame of reference is not moving. Let me see who is moving and who is not moving. Right? So, these are two important things. Third, based on this, motion is relative. If you want to tell if something is moving or not, you always have to make sure that you say who is the observer and from which frame of reference that observer is observing, basically, right? Observer ka frame hi frame of reference ban jata hai, right? Clear? I hope you understood this small concept and it's clear to you now. Like this session, subscribe to the channel and share it with your friend because this small knowledge, we should share it, right? Come on. Like, share and subscribe. See you next time. Bye-bye.